के कुन्हाड़ी निवासी प्रीति झाला सरोला ग्राम पंचायत की सरपंच की मौत हो गई। सड़क हादसे में युवा महिला सरपंच की मौत हो गई। वह ठिकानेदार की बेटी थी। पिता जीप में बिठाकर उनको रोज की तरह ग्राम पंचायत ले गए थे। करीब 40 किलोमीटर की दूरी बेटी पिता साथ में तय करते थे। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। पिता जीप चला रहे थे, कोटा से करीब 10 किलोमीटर आगे आने पर जीप अनियंत्रित हो गई। महिला सरपंच को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता मामूली रूप से घायल हैं। प्रीति के पिता रणवीर सिंह कुन्हाड़ी के ठिकानेदार हैं। वो कांग्रेस से भी जुड़े हैं। रणवीर सिंह नहर समिति के अध्यक्ष भी हैं। प्रीति के पति जयपुर में बिजनेस करते हैं। फिलहाल वो पिता के साथ कोटा में रहती थी। रणवीर सिंह रोज प्रीति को लेकर सरोला जीप से जाते थे। सोमवार को कोटा से करीब 10 किमी आगे पहुँचते ही ये हादसा हुआ। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में सिंघानिया स्कूल के पास आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाया। पिता ने जीप रोकने की कोशिश की, जिससे असंतुलन बिगड़ गया। जीप डिवाइडर पर चढ़ गई। प्रीति कार और जीप के बीच में दब गई। उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर जान नहीं बच सकी। आपको बता दें कि प्रीति 2 साल पहले ही सरपंच बनी थी। प्रीति सुबह करीब 9 बजे पिता रणवीर सिंह के साथ सरोला ग्राम पंचायत के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में कई लोगों से मिलते जुलते रणवीर सिंह आगे बढ़े थे, तभी भारा रोड बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। प्रीति खलासी साइड पर बैठी हुई थी। हादसे में वो 2 गाड़ियों के बीच दब गई। उन्हें अंदरूनी चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में दुनिया को छोड़ चुकी प्रीति झाला सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर पंचायत समिति के सरोला ग्राम पंचायत की सरपंच थी। वह 2 साल पहले ही गाँव की प्रधान बनी थी। सरपंची चुनाव के चलते वह काफ़ी चर्चा में रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर वो खासी एक्टिव भी रहती थी। अपने गांव की छोटी छोटी समस्या यहां पर पोस्ट करती थी। करीब 7 साल पहले जयपुर के बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई थी। पति फिलहाल जयपुर में रहते हैं, जबकि सरपंच होने के कारण प्रीति अपने पिता के साथ गांव में ही रहती थी। प्रीति गांव के लोगों का विकास करना चाहती थी, तभी तो जयपुर जैसे शहर को छोड़कर गांव में रहने लगी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि जीप तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक सामने डिवाइडर आया तो पिता रणवीर सिंह ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वह नियंत्रण खो बैठे और जीप डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस दौरान प्रीति जीप में बगल वाली सीट पर बैठी थी, जिसके चलते गाड़ी के पलटने पर वह उसके नीचे आकर दब गई। बता दें कि पिता अपनी बेटी को रोज कोटा से प्रीति को लेकर सरोला जाते थे, लेकिन सोमवार का दिन उनके लिए काल बन गया।